भगवान और किस रूप में आता है? भगवान ही शायद मैं समझता हूं कि इस रूप में आया है, इस व्यक्ति के रूप में। वो महिला जीकर रहेगी, वो रुग्णी जीकर रहेगी, क्योंकि उनका ऑपरेशन होगा, जिंदा भी रहेगी वो। अब मृत्यु कैसे बताएंगे आप? हां, तीनों प्रधान रेखाओं पर एक ही स्थान पर, वयो निर्णय में एक ही वय आयु पर बुरी रेखाएं रहे, अब कोई सहायता नहीं करते, पैसे भी खर्चा करेंगे तो साक्षात धनवंतर आकर उसमें बाजू बैठेंगे। संजीवनी पर्वत को फिर उठाकर लाकर तो जिंदा नहीं कर सकते हम, उसकी मृत्यु होगी तब बताना, तो भी मृत्यु मत बताइएगा, मृत्यु को जरा टालते रहिए आप। एक समय ऐसा था कि चाहने पर मृत्यु होती थी, जब तक जीवित रहना चाहे तब तक। भीष्म की क्या सुनते हैं, वांछित मृत्यु, इच्छा हो तो ही मृत्यु। अंपशैया पर भी सो गए, मृत्यु नहीं हुई। शुभ दिन आने के बाद मृत्यु को आज्ञा दे दी कि मुझे ले जाओ, ले गई। एक समय वैसा था, आज वैसा समय नहीं है, मगर उतने बड़े महोन्नत पुरुष नहीं मिल रहे, मगर डॉक्टर के कारण ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो उन परिस्थितियों का स्वागत कीजिए हमें। ठीक है, यहां नहीं बाबा, यहां से रेखा बहुत अच्छी है, आखिरी बार यहां जब रेखा आ गई। हां, मिलजुल कर रहेंगे, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, कारणवश ये यव रेखा चिन्ह है। जीवन रेखा को देखिए, हाँ बुरी रेखा, बुद्धि हाँ यहाँ भी ठीक, हृदय रेखा पर भी बता सकते हैं शास्त्र के अनुकूल। जरा सतर्क रहिए कि चलता हुआ समय ठीक नहीं है आपके लिए, दवाई लीजिए, शांति से काम लीजिए, बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नहीं है ये रेखा है, न यह रेखा प्रारंभ में है न अंत में है, बीच में आ गई। यहां कठिनाई जरूरत आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि यह रेखा एकदम बेकार चिन्ह है। चाहे पुरुष कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, चाहे महिला कितने अच्छी लड़की भी क्यों, अच्छी स्त्री भी क्यों ना हो, कान के कच्चे होने के कारण, कानाफूसी होने के कारण, दूसरे बुरी बातों को सुनने के कारण, पत्नी पर पति को, पति को पर पत्नी को कोई ना कोई संदेह उत्पन्न करके आप मजा उड़ाना चाहते हैं कुछ लोग, वैसी बातों पर विश्वास न, कभी कभी कान को कान पर विश्वास मत कीजिए, सुनते सब ठीक नहीं रहते, सही नहीं होते, आंखों से देखिए, संदेह मात्र से बिछुन न जाए, मृत्यु न हो पाए इस बाधा से। आजकल आत्महत्या कर लेना, हत्या की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। 18-20 साल का बच्चा गाड़ी ऐसा दबा रहा कि सामने वाली पांचवी छठी गाड़ी से पार होकर जा रहा, अगर उतने वेग से भागता है तो बीच में कोई बच्चा भाग कर आ जाए, पीछे की गाड़ी भी उतनी ही वेग से आ जाए तो एकदम ब्रेक मार दें, क्या मृत्यु लिख लेने की जरूरत नहीं, मृत्यु हो जाएगी उनकी, यानी मृत्यु का स्वागत कर रहे हम। शांति सीखने की आवश्यकता है। यहां कोई आपत्ति आती है ठीक है, पति पत्नी में अंतर आ सकता है, कानाफूसी के कारण अपने विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं, शांति से काम लीजिए, आत्महत्या नहीं होगी किसी, आप बन जाएंगे। आज थोड़ा भी गुस्सा आ गया, चले फांसी के फंदे पर लटक जाए, यानी रस्सी से लटका ले मर जाए, या गाड़ी की पट्टियों पर सिर दे दे, कोई विष पदार्थ खाते हैं, अरे मरने के लिए तो हजार हजार रास्ते हैं, जीने के लिए कम रास्ते हैं, किसी न किसी रास्ते को लेते आपस में लड़ते हैं, मरते भी हैं। रोक रखिएगा, मरकर कुछ नहीं कर सकते हैं, जीकर लड़ सकते हैं। कैसी गलती है, किसने कहा,
कैसा विश्वास किया आपने, क्या सही है? आंखों से देखा, बातों पर विश्वास करना? लड़ने की ताकत नहीं है, वाक चतुरता नहीं है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि केले के छिलके को निकालकर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। लॉयर से भी बहुत अच्छी तरह से एडवोकेट कीजिएगा, तुम्हारी जीत होगी और तुम पर पूरा विश्वास होगा और शेष जीवन अच्छा रहेगा। यहां चाह चाह कर तात्कालिक आवेश में अगर आत्महत्या कर लेंगे तो बुरा होकर ही रहेगा। शास्त्र को जो का त्यों आप खड़े कर दे रहे, शास्त्र में भी परिवर्तन लाने की जरूरत है अच्छे विचारों से। अगर जातक गण, जातक लोग अच्छे विचारों से रहेंगे, इस रेखा में परिवर्तन आ जाएगा, यहां भी अच्छा फल मिलेगा आपको। मैं शास्त्र में जो फल है वो फल सुना, शास्त्र शास्त्री है ना, होकर ही रहना चाहिए ना, प्रारब्ध में लिखा है ना, प्रारब्ध नहीं, हम अपने प्रारब्ध को लिख ले सकते हैं, विचारों से बदल सकते हैं। किसी शास्त्र में ये नहीं भाई, अच्छी भूमि अच्छी बीज है तो फसल बताएंगे, वातावरण अच्छा नहीं रहा, कोई भी अच्छा नहीं, वातावरण अच्छा है उतने सुंदर फल नहीं आएंगे, कुछ फल तो आ जाएंगे। वातावरण हम होते हैं, अच्छे विचार हमें होते हैं। जहां जहां आपको बुरी रेखा दिखाई पड़े, बंधु मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अच्छे विचारों से रहिए, बुरा वहां नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद, अधिक से अधिक 9 महीने बाद, विश्वास कीजिए मेरे बातों पर, आपका भला होकर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 9 महीने, उतने लंबे समय तक, उतनी लंबी अवधि तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आप में और भी अच्छे विचार आ जाए, तो 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में तो अंतर होकर रहेगा। अरे 9 महीने की क्षमता भी नहीं रखते तो 100 कैलेंडर अभी बिताना है, तो 4-5 कैलेंडर में ही अगर बीच में खत्म हो जाएंगे। गलती शास्त्र का है, समाज का है, सरकार का है, किसका है? गलती आपकी है। कृपया विवाह व्यवस्था में आजकल बहुत से परिवर्तन, परिवर्तन बुराइयां अच्छाइयां भी समझिए आ रही हैं, कि एक समय पति पत्नी बाजू बाजू नहीं बैठा किया करते, सास से डरते थे, मगर आज नहीं, एक साल भी माँ जैसे व्यवहार कर रही है, एक बहू भी बेटी जैसे व्यवहार कर रहे, पति पति ही नहीं एक मित्र जैसे व्यवहार कर रहा, समाज में सुंदर परिवर्तन आया है, उसको अपने जीवन में लागू कीजिए कृपया। अच्छा को तो स्वीकार नहीं करते, एक कड़वी बात सुनकर सेंटिमेंट बढ़कर अगर आप अपनी बुराई कर लेंगे, समाज पर आप पर दया भी नहीं करेगी कि पगली है, जान निकल दे, लड़ने की ताकत नहीं है। कितने दिन तक याद कर लेंगे आपको? 1 महीने 2 महीने के बाद भूल जाएंगे लोग। बस यही अंतिम कहानी, अंतिम कहानी, कसक कहानी बना लेंगे अपने जीवन की? नहीं, सुखप्रद जीवन, मृत्यु हो तो शानदार मृत्यु, वाह वाह करनी चाहिए, बढ़िया जीवन कहना चाहिए, उनकी स्तुति हो जाए। अब पैर के नीचे क्या है कृपया ये मत देखिए, आंखें सामने दी गई है, भविष्य की ओर देखिए। भविष्य को मैं कैसे सजाऊं, स्वर्णावकाशकों को सदुपयोग कैसे करूं, अच्छे अच्छे अवकाश आ जाएंगे तो उनको मैं अपने जीवन में किस प्रकार लागू करूं, इन पर विचार कीजिए। आंखें सामने होकर यही पाठ सिखाते हैं कि भूत के बारे में मत सोचो, क्या हुआ गया सो गया, क्या होने वाला है भविष्य के बारे में सोचिए। वर्तमान तो देख रहे हैं, वर्तमान अगर बुरा है तो भविष्य में देखिए अच्छा भी है, अच्छे के लिए कीजिए, अच्छे बन जाएंगे, विश्वास कर लीजिए, लिख लीजिए अपने अपनी डायरी में। केवल रेखाओं को बढ़कर सामुद्रिक शास्त्र को बनकर यही इतना मेरा जीवन, इसलिए मैं सामुद्रिक शास्त्र नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर इतना ही सिखाना है तो शास्त्र बहुत सारे हैं, डराने वाले भी बहुत हैं। नए अच्छे विचारों से सामुद्रिक शास्त्र शासन करना ही नहीं, अच्छे विचारों से सुंदर रेखाएं भी उत्पन्न होंगे, ये भी सामुद्रिक शास्त्र कहता है।
उस बात को तो स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं आप। ये कैसी बात? नहीं, अच्छे विचारों से अच्छे हो जाइए। ठीक है।